उपसभा अध्यक्ष जी, मैं शुरू में यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति के लिए मेरे लिए मेरे दिल में बड़ा आदर है। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मैंने इस भाषण को पढ़ा है तो मुझे घोर निराशा हुई है और मुझे याद आता है कि इस तरह का भाषण आज तक इस सदन में पेश नहीं किया गया। यह उम्मीद नहीं थी हमको कि राष्ट्रपति के भाषण में इस तरह की बात कही जाएगी। राष्ट्रपति के भाषण में यह उम्मीद की जाती है और देश चाहता है कि देश के सामने जो मौलिक प्रश्न हैं, आगे आने वाले वर्ष में उनको कैसे हल किया जाएगा, इसकी कुछ रूपरेखा मिलेगी। इस बात का कोई संकेत इसमें नहीं है। कौन से ऐसे प्रश्न हैं आज देश का सबसे मौलिक प्रश्न है? यहाँ की गरीबी मिटाने का क्या सरकारी पार्टी के लोग इसको नकार सकते हैं कि यह प्रश्न नहीं है? सरकारी पक्ष से जो जवाब आएगा तो वह उसमें बताएंगे, लेकिन इसमें तो कोशिश यह हुई है कि किस तरह से गरीबी और बढ़े। यहाँ इसके जरिए उल्टी गंगा बहाई जा रही है। यह चीज है जो मैं पहले कहने जा रहा हूँ कि इस सदन से और यहाँ से देश उम्मीद करता था कि जो पार्टी पावर में है और जिसको देश की जनता ने चुनकर भेजा है और उसने भेजा है, तभी आप वहाँ की जनता ने चुनकर भेजा है, कुछ ना कुछ करेंगे देश की गरीबी मिटाने के लिए, लेकिन आप कुछ करिए तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो आपका साथ देगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह मैं जानता हूँ। कहाँ आपकी ताकत है और कहाँ आपका कलेजा कांपता है, इसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। इस गरीबी को मिटाने के लिए इस भाषण में कुछ नहीं है और जो बातें इसमें दी गई हैं, इसमें कुल 40 मुद्दे हैं। इसमें पहला तो परिचयात्मक है और अंतिम में सदस्यों का स्वागत किया गया है। बाकी 38 मुद्दों में से एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिससे सरकार इस देश की गरीबी को मिटा सकती हो। कहीं कुछ नहीं है और जो बातें दी गई हैं राष्ट्रपति के भाषण में, ये तो अखबारों में रोज छपती हैं और अक्सर छपती रहती हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरकार को इस विषय पर सोचने के लिए पूरा समय नहीं मिला है, और अगर मिला है तो जल्दी जल्दी इसको लिखा गया है, इसलिए कि कुछ बातें दे दें और उनको ही राष्ट्रपति के मुँह से कहलवा दें। अगर सच्चाई के साथ सोचा जाता तो हो सकता है कि इसमें पहला मुद्दा यह होता कि इस तरह से देश की गरीबी को मिटाया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसको आप एक दिन में मिटा नहीं सकते, लेकिन इस दिशा में आपकी तवज्जो होनी चाहिए थी जो दिखाई नहीं देती।
उपसभा अध्यक्ष जी, मैं शुरू में यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति के लिए मेरे लिए मेरे दिल में बड़ा आदर है। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मैंने इस भाषण को पढ़ा है तो मुझे घोर निराशा हुई है और मुझे याद आता है कि इस तरह का भाषण आज तक इस सदन में पेश नहीं किया गया। यह उम्मीद नहीं थी हमको कि राष्ट्रपति के भाषण में इस तरह की बात कही जाएगी। राष्ट्रपति के भाषण में यह उम्मीद की जाती है और देश चाहता है कि देश के सामने जो मौलिक प्रश्न हैं, आगे आने वाले वर्ष में उनको कैसे हल किया जाएगा, इसकी कुछ रूपरेखा मिलेगी, इस बात का कोई संकेत इसमें नहीं है। कौन से ऐसे प्रश्न हैं आज देश का सबसे मौलिक प्रश्न है, यहाँ की गरीबी मिटाने का। क्या सरकारी पार्टी के लोग इसको नकार सकते हैं कि यह प्रश्न नहीं है? सरकारी पक्ष से जो जवाब आएगा तो वह उसमें बताएंगे, लेकिन इसमें तो कोशिश यह हुई है कि किस तरह से गरीबी और बढ़े। यहाँ इसके जरिए उल्टी गंगा बहाई जा रही है। यह चीज है जो मैं पहले कहने जा रहा हूँ कि इस सदन से और यहाँ से देश उम्मीद करता था कि जो पार्टी पावर में है और जिसको देश की जनता ने चुनकर भेजा है और उसने भेजा है, तभी आप वहाँ की जनता ने चुनकर भेजा है, कुछ ना कुछ करेंगे देश की गरीबी मिटाने के लिए, लेकिन आप कुछ करिए तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो आपका साथ देगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह मैं जानता हूँ। कहाँ आपकी ताकत है और कहाँ आपका कलेजा कांपता है, इसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। इस गरीबी को मिटाने के लिए इस भाषण में कुछ नहीं है और जो बातें इसमें दी गई हैं, इसमें कुल 40 मुद्दे हैं। इसमें पहला तो परिचयात्मक है और अंतिम में सदस्यों का स्वागत किया गया है। बाकी 38 मुद्दों में से एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिससे सरकार इस देश की गरीबी को मिटा सकती हो, कहीं कुछ नहीं है। और जो बातें दी गई हैं राष्ट्रपति के भाषण में, ये तो अखबारों में रोज छपती हैं और अक्सर छपती रहती हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरकार को इस विषय पर सोचने के लिए पूरा समय नहीं मिला है, और अगर मिला है तो जल्दी जल्दी इसको लिखा गया है, इसलिए कि कुछ बातें दे दें और उनको ही राष्ट्रपति के मुँह से कहलवा दें। अगर सच्चाई के साथ सोचा जाता तो हो सकता है कि इसमें पहला मुद्दा यह होता कि इस तरह से देश की गरीबी को मिटाया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसको आप एक दिन में मिटा नहीं सकते, लेकिन इस दिशा में आपकी तवज्जो होनी चाहिए थी जो दिखाई नहीं देती।